Hey guys, Anurag this side. So I'm back with one more question from FactSet interview. So the question is called minimum number of increments other operations to make all array elements equal. मतलब हमें एक array दिया हुआ है. लेट्स से ये वाला input हम लें तो 1 2 3 array है और वो कह रहे हैं कि सारे एलिमेंट जितने भी array के इन सबको इक्वल कर दो. ठीक है, मिनिमम ऑपरेशंस करके. तो पहले देखते हैं कि ऑपरेशन क्या है, कौन सा ऑपरेशन अलाउड है हमें. ठीक है, तो ये कह रहा है एट ईच ऑपरेशन यू कैन सेलेक्ट एनी वन एलिमेंट एंड इंक्रीज रेस्ट ऑफ द एन माइनस वन एलिमेंट्स बाय वन. ठीक है, वो कह रहा है कि किसी भी एक ऑपरेशन पे तुम एक एलिमेंट चुनो कोई भी और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं एन माइनस वन उस एरे में उन सबको तुम इंक्रीज कर दो वन से. कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3. ठीक है, वो कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में ये सारे सेम कर दो. ये उसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम करना है हमें और हम सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेशन कर सकते हैं. इंक्रीमेंट कर सकते हैं एन माइनस वन एलिमेंट्स का. कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 3 को चुनता हूँ अपना एक एलिमेंट तो 3 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं इस एरे में उन सबको मैं 1 से इंक्रीज कर दूंगा. तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 3. ठीक है, उसके बाद मैं अगर दोबारा से इसे चुनता हूँ इस वाले 3 को तो इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 से इंक्रीज हो जाएंगे. तो हो जाएगा 3, ये 3 रहेगा और ये हो जाएगा 4. ठीक है, अब ये 3 3 4 हो गया. तो अब मैं ये वाला 4 चुन लेता हूँ और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को 1 से इंक्रीज कर देता हूँ. तो 4 4 4, तो क्या हो गया, मेरे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हो गए सेम. ठीक है, तो एक स्टेप ये लगा, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप. तो 3 स्टेप में बेसिकली मेरा 1 2 3 जो है वो 4 4 4 में कन्वर्ट हो गया और सारे एलिमेंट सेम हो गए. ठीक है, तो इसमें भी देखें अगर, तो 1 2 3 इनपुट था और आउटपुट क्या आया, 4. तो लेट्स दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं. 4 3 4 है दूसरा एग्जाम्पल. ठीक है, तो अगर मैं 4 3 4 पे इसे ट्राई रन करूँ, 4 3 4, तो इसमें क्या होगा. अब देखो, क्योंकि हम सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेशन ही अप्लाई कर सकते हैं तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है एरे का उसे इंक्रीज करके तो कोई फायदा नहीं है. ये तो ग्रीडी अप्रोच है हमारे, इतना कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कोई एलिमेंट पहले से बड़ा है तो उसे बड़ा और इंक्रीज करके क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है. तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको छोड़ के मैं क्या करूँगा, सारे एलिमेंट्स को बाकी को इंक्रीज करूँगा. तो इसमें 4 3 4 है तो ये वाला 4 में छोड़ देता हूँ और बाकी के एलिमेंट्स को इंक्रीज करता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 5. ठीक है, अब इस एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 5. 5 को छोड़ के मैं इंक्रीज कर देता हूँ बाकी के, तो हो जाएंगे 5 5 5. तो बेसिकली मेरे को एक ऑपरेशन यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, तो टोटल 2 ऑपरेशन लगे. तो यहाँ पर भी तुम देखोगे तो मिनिमम ऑपरेशन 2 हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं. एक तो यही है कि हर बार लार्जेस्ट एलिमेंट निकालो, इन ईच स्टेप फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट एंड देन इंक्रीज रेस्ट ऑफ द एन माइनस वन एलिमेंट्स बाय वन. ठीक है, तो हर एलिमेंट हर बार के लिए अगर तुम लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल रहे हो तो लेट्स से कि तुम्हारा एरे 1 2 3 4 5 टू n. ठीक है, तो लार्जेस्ट निकालने के लिए कितना काम करना पड़ता है तुम्हें, n काम करना पड़ता है, ऑर्डर ऑफ n काम. ठीक है, और इसमें n ही एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर ऑफ n इंटू ऑर्डर ऑफ n, तो कितना ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर चले जाएगा तुम्हारे कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि खराब है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से खराब है. क्यों, क्योंकि इसे हम ऑर्डर ऑफ n में कर सकते हैं. ऑर्डर ऑफ n में कैसे होगा, देखो अब क्वेश्चन का कैच क्या है, जो इसकी दूसरी अप्रोच है कि 1 2 3 अगर मैं लूँ तो वो क्या कह रहा है कि तुम किसी भी एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी के एन माइनस वन एलिमेंट्स को बढ़ा दो. तो मैं इसका उल्टा भी तो कर सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग एन माइनस वन एलिमेंट्स मैं इसे एक डिक्रीज कर देता हूँ. एक ही बात है, कैसे, 1 2 3 है इसका लार्जेस्ट क्या है, 3. तो इसे अगर मैं डिक्रीज कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 2 1. अब लार्जेस्ट क्या है, 2 और 2 है, तो कोई भी एक ले लो. तो मैं ये वाला ले लेता हूँ. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 2 1. अब लार्जेस्ट क्या है, 2, डिक्रीज कर दो इस वाले को. तो कितने स्टेप लगे, 1 1 1, 3 स्टेप लगे अभी भी. तो एक ही बात है, तो तुम एन माइनस वन एलिमेंट्स को बढ़ा दो या फिर जो एक एलिमेंट है तुम्हारा उसे डिक्रीज कर दो. ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, देखो जो मेरे इस एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो निकालो. यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप्स क्या हैं. ठीक है, पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकल जाएगा 1 है. ठीक है, फिर बाकी के एलिमेंट्स पे जाओ और देखो कि उसे 1 बनाने में मैं कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे. ठीक
कहने का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट वन आ गया। तो अगर मैं टू पे हूँ, टू को मुझे वन करना है तो कितना ऑपरेशन लगेंगे, एक ऑपरेशन लगेगा। वन को वन करना है तो कुछ नहीं, जीरो ऑपरेशन लगेंगे। और अगर थ्री को मुझे वन करना है तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, टू। तो इन सारे ऑपरेशन का जो सम होगा बेसिकली वो क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या हो गई, अब देखो लेट्स से 1 2 3 4 ये हमारा एरे है, तो इसमें से हम स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे। स्मॉलेस्ट निकालने में कितनी कॉस्ट लगती है हमें, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन लगती है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इस एरे को जब मैं लूप करूँगा अपने, तो मेरे को क्या करना है, जो भी ये है ए ऑफ ज़ीरो है उसमें से मुझे क्या करना है, माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, इस वाले को कन्वर्ट करने के लिए स्मॉलेस्ट में। फिर इस वाले में जब मैं आता हूँ तो मेरे को क्या करना होगा पड़ेगा, प्लस जितना ये था उतना तो कॉस्ट लगेगा ही, ए ऑफ वन माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसमें आऊँगा तो क्या होगा, ए ऑफ टू माइनस स्मॉलेस्ट, ए मेरे एरे का नाम है। और जब मैं इस पर आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ए ऑफ थ्री माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, यही तो करना है हमें। ए ऑफ जीरो माइनस स्मॉलेस्ट क्या है, इसमें जीरो है। ए ऑफ वन क्या है, टू है। टू माइनस स्मॉलेस्ट कितना है, वन, तो यहाँ वन हो जाएगा। ये है थ्री, थ्री माइनस वन टू, तो इसमें टू ऑपरेशन लगेंगे। ये फोर, फोर माइनस वन, तो थ्री ऑपरेशन लगेंगे। तो इन सब का सम थ्री प्लस टू प्लस वन सिक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, सिक्स आंसर होगा। तो अगर तुम इस वाले एक्सप्रेशन को देखते हो, एंड ये सो ऑन होगा अप टू एन तक। ठीक है, इस वाले अगर तुम एक्सप्रेशन को देखते हो, इस वाले एक्सप्रेशन को, तो इसमें क्या है, ए ऑफ जीरो प्लस ए ऑफ वन प्लस ए ऑफ टू प्लस ए ऑफ थ्री एंड सो ऑन अप टू ए ऑफ एन। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सम ऑफ एरे हो जाएगा, सम ऑफ एरे हो जाएगा। और अगर तुम ये दूसरे वाले टर्म देख रहे हो, माइनस स्मॉलेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो कितनी बार माइनस स्मॉलेस्ट होगा, माइनस एन जितनी एरे की लेंथ है इंटू स्मॉलेस्ट। तो अगर तुम ये कैलकुलेट कर लेते हो, सम ऑफ एरे माइनस एन इंटू स्मॉलेस्ट, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कोड करके देखते हैं कि ये चल भी रहा है हमारी अप्रोच या नहीं चल रही। तो एक नई बना लेते हैं, फैक्ट सेट, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल रखते हैं, फैक्ट्स सेट डॉट जावा दे देते हैं इसका नाम। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे अपना एरे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे स्कैनर बनाना पड़ेगा, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ एरे का साइज कितना है मेरा, इनपुटिंग एरे साइज, राइट। फिर यहाँ पे एरे बना लेते हैं एक नया, जावा में कोड समझ गए होंगे जावा वाले, सी प्लस प्लस वालों को भी समझ आ जाएगा क्योंकि इतना कोई खास डिफरेंस नहीं होता। फिर मैं अपना एरे इनपुट कराऊंगा, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, मुझे क्या करना है, ए आर ऑफ आई प्लस टू एस सी डॉट नेक्स्ट एंड। तो यहाँ पे मेरा एरे इनपुट हो गया। ठीक है, एरे इनपुट हो गया मेरा, इंट आई इक्वल्स टू जीरो। अब मेरे को क्या करना है, स्मॉलेस्ट कैलकुलेट करना है। ये वाला जो स्टेप था मेरा, पहले स्मॉलेस्ट कैलकुलेट करना है और फिर सेकंड स्टेप में क्या था, ये पूरा काम था। तो इस पूरे काम को हमने क्या समराइज कर लिया, सम ऑफ एरे माइनस एन इंटू स्मॉलेस्ट। तो सम ऑफ एरे निकालना है हमें और स्मॉलेस्ट निकालना है, तो पहले हम स्मॉलेस्ट निकालते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालते हैं। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर हम निकालते हैं तो इंट मिनिमम ले लो कितना, इंटीजर, सॉरी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू फॉर इंट आई इन एरे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये मिनिमम इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन क्या, मिनिमम ऑफ आई। तो बेसिकली मैंने हर एलिमेंट पे गया और मैंने कंपेयर कर लिया कि अगर वो मेरे मिनिमम से छोटा है तो मेरा मिनिमम वो हो जाएगा। अब मैंने, मेरे को निकालना है सम, तो मैं सम भी यहीं पे ले लेता हूँ, एंड सम इक्वल्स टू ज़ीरो। और हर बार मैं क्या करूँगा, सम प्लस इक्वल्स टू आई। अब कुछ नहीं करना है मेरे को बस, अब मेरे को पता है मेरा आंसर क्या होगा। मेरा आंसर होगा इस केस में, सम जितना भी है मेरा माइनस एन जितना भी साइज है रहेगा, एन टू मिनिमम मतलब स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो अब इसे हम रन करके देखते हैं, लेट्स ट्राई टू रन इट, प्रोसीड। तो इनके वाले ये उठाते हैं, 1 2 3 4 उठाते हैं। ठीक है, तो 4 है मेरा एरे का साइज, 1 2 3 4। ठीक है, तो 6 आ गया आंसर जो ये एक्सपेक्टेड है। अब इनका वाला एग्जांपल उठाएं हम, तो क्या है, 4 3 4 है,
तो इसका आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 है साइज और 4 3 4, तो 2 आ गया। तो हमारा कोड एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। और नहीं आया तो कमेंट्स में डाल दो या फिर इंस्टाग्राम पे पिंग कर दो। तो टिल देन, बाय बाय।